वेलकम टू सीसीटीवी नेटवर्किंग टेक्निकल सपोर्ट चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीसीटीवी कैमरास की टेक्नोलॉजी के बारे में। सीसीटीवी की कैमरास के अंदर टेक्नोलॉजी काफ़ी आ चुकी है। सबसे पहले एनालॉग कैमरे आए थे, जर्मनी में इवेंट सबसे पहला कैमरा लगाया गया था सीमेंस एजी कंपनी के द्वारा। नाजी जर्मनी के अंदर में जब रॉकेट का लॉन्च का जो प्रशिक्षण चल रहा था उस टाइम फर्स्ट कैमरा लगाया गया था, और 1942 के अंदर में। और उसके बाद के अंदर में एनालॉग कैमरा के अंदर में और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, विकसित हुए सारी टेक्नोलॉजी। एनालॉग के बाद में रिक्वायरमेंट आई कि जो इमेजेस थी वो क्लियर नहीं हो पा रही थी, ज़्यादा एचडी इमेजेस की रिक्वायरमेंट थी जैसे डिजिटल कैमरा के अंदर में आती थी। तो उसके लिए सन 1989 के अंदर में सबसे पहले टेक्नोलॉजी पे काम हुआ, कैमरा की HD-SDI कैमरा बनाए गए। HD-SDI कैमरा SMPTE कंपनी द्वारा बनाया गया, जो था द सोसाइटी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन इंजीनियरिंग। तो इसके द्वारा पहले HD-SDI कैमरे आए, लेकिन उसके अंदर भी क्या था कि एक सिंगल कोएक्सियल केबल के ऊपर में आपको डेटा सेंड करना था, तो इस तरह से उसके ऊपर काम किया गया। उसके बाद में उस टेक्नोलॉजी को वो वहीं तक स्टेबल थी HD-SDI। उसके बाद के अंदर में सन 2012 के अंदर में दहुआ ने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर में फिर काम किया और HD-CVI का डेवलपमेंट किया, उसको विकसित किया। इस नई टेक्नोलॉजी को दहुआ ने विकसित किया और 2012 से लेकर 2014 तक उन्होंने इस पर काम किया। 2014 के अंदर में उन्होंने इसके ऊपर में कैमरा बनाने शुरू किए HD-CVI टेक्नोलॉजी के ऊपर, और फिर उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। मार्केट में लॉन्च करने के बाद में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, क्योंकि जहाँ पे एनालॉग की इमेज की क्वालिटी थी वो बहुत पुअर थी HD, और उनकी जो डेटा फ्रेम रेट भेजने इमेजेस भेजने की जो सिग्नल स्ट्रेंथ थी वो भी बहुत कम थी। कोएक्सियल केबल के ऊपर में वो सिर्फ 100 मीटर तक इमेज डिस्टेंस तय कर पाती थी। HD-CVI ने ये कमाल करके दिखाया हमें कि HD-CVI को 400 से 500 मीटर तक इमेज को आप इजीली सेंड कर सकते थे, और जो क्वालिटी थी वो बहुत इम्प्रूव हो गई थी। 720 पिक्सल को आप यूज़ कर सकते थे 60 FPS तक, और 1080 पिक्सल को यूज़ कर सकते थे आप 30 FPS तक। ये बहुत ब्रेक थ्रू काम किया था दहुआ ने। उसके बाद में एक या दो साल बाद के अंदर में साइमल्टेनियसली काम चल रहा था, और जो एक दूसरी कंपनी थी कंपनी ने क्या किया HD-TVI का डेवलपमेंट किया, उसको विकसित किया, और हिकविजन ने उसको अडॉप्ट कर लिया। हिकविजन बहुत लार्जेस्ट, बहुत तगड़ा उसका मार्केट है हिकविजन का पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो उसने उसके ऊपर काम किया HD-TVI टेक्नोलॉजी के ऊपर में, और उनको अपने कैमरे के अंदर में अबेंड किया उस टेक्नोलॉजी को, वो सेंसर्स यूज़ में लिए और HD-TVI का आविष्कार किया। सेम वही प्रोसेस था इसके अंदर भी, बस डिफरेंस क्या था कि HD-TVI और CVI में कि वो अलग अलग अपने अपने सेंसर्स यूज़ करते थे, लेकिन जो डेटा का डिस्टेंस सेंड करने का है इमेजेस का वो 400 से 500 मीटर का ही है। और साथ के अंदर में आप देख लें कि जो 720 पिक्सल है वो 60 FPS पे, और 1080 वो भी 30 FPS पे ही काम करता है। इस तरह के बाद के अंदर में अच्छा, उनकी रेट थोड़ी सी हायर थी HD-CVI और HD-TVI। फिर AHD का आविष्कार हुआ, वो नॉन ब्रांडेड था, OEM था, मैन्युफैक्चरिंग द्वारा यूज़ किया जाता था, किसी ने भी ब्रांड को उसको हायर नहीं किया। लेकिन हाल फिलहाल में उसको सैमसंग ने उसको हायर किया ब्रांड को, उस डेवलपमेंट को, इस विकसित को HD को, और अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर में उसको लेके आ रहा है। उसके अंदर के अंदर में जो सेंसर्स हैं वो अलग अलग यूज़ किए जा रहे हैं तीनों टेक्नोलॉजी में, लेकिन जो आउटपुट निकलता है एक एंड यूज़र की तरह अगर हम देखें तो सिमिलर उसके अंदर में आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। सेम डिस्टेंस तय कर पाते हैं वो, पिक्चर क्वालिटी भी लगभग उनकी बराबर है। अच्छा, ये तो रही बात HD-CVI, TVI और AHD की। इन तीनों के बाद के अंदर में क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ आने लगी कि भाई DVR तो हमारा एनालॉग ही था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए फिर क्या किया गया कि HD कैमरा के साथ में HD-TVI कैमरा के साथ में HD-TVI DVR बनाए गए, HD-CVI कैमरा के साथ में HD-CVI कैमरे बनाए गए। लेकिन होता क्या था कि सपोज़ कीजिए मेरे पास में दवा HD-CVI का दवा का DVR लगा हुआ है, और मैंने परचेज़ कर लिया HD-TVI का कैमरा,
वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, सपोर्ट नहीं कर पाते थे, इमेजेस नहीं आ पाती थी। फिर ट्राइब्रिड का हाइब्रिड का जो डीवीआर था, ट्राइब्रिड हाइब्रिड डीवीआर बोलते हैं उसको, कि उसका आविष्कार हुआ जिसके अंदर में तीनों टेक्नोलॉजी को ले लिया गया। इसके अंदर में आप HDCVI भी यूज़ कर सकते थे, HDTVI भी यूज़ कर सकते थे और AHD भी यूज़ कर सकते थे। उसके बाद के अंदर में DVR के बाद के अंदर में फिर ऐसे कैमरास के भी, CCTV कैमरास का भी आविष्कार हुआ, ऐसे विकसित किए गए, डेवलप किए गए अलग अलग कंपनियों के थ्रू। हिकविजन ने अपना किया, दहुआ ने अपना किया, सेंसर सबके अलग अलग हैं, सब ने अपना अपना आविष्कार किया कि ऐसा एक कैमरा बनाया जाए जिसके अंदर में हम एक बटन दे दें, एक इस तरह का एक इनपुट का बटन दे दें कि जब उसको प्रेस करें तो वो टेक्नोलॉजी वाइज चेंज होती रहे। एक प्रेस बटन करने पे HDTVI हो जाएं, फिर प्रेस बटन करेंगे तो HDCVI में टेक्नोलॉजी पे काम करें, और फिर प्रेस करें तो AHD में चले जाएं, और फिर प्रेस करें तो वो सिंपली एनालॉग हो जाएं। एनालॉग कैमरा जो होते हैं वो सभी टेक्नोलॉजी के अंदर में आपको आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। एनालॉग सभी DVRs में प्ले, वो हाइब्रिड हो, CVI हो, TVI हो, AHD हो, सब में आ जाएगा, लेकिन उनका जो रेजोल्यूशन होता है इमेज का वो कम होता है। तो मैंने आपको ये बताना चाह रहा था कि ये इसका जो ये टेक्नोलॉजी है इसमें क्या डिफरेंसेस था। आपने सुना है मार्केट में कि HDCVI के कैमरे आते हैं, HDTVI आते हैं, लेकिन अपन को पता नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद में मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी टेक्नोलॉजी क्या क्या है, किस तरह से काम करती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों के साथ में शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।